चले यो अरे आ गया आ गया डॉक्टर अनिल गुप्ता अगले संडे को होने वाले तीन मैचों के प्रेडिक्शंस के बारे में आपका क्या विचार है? पहला मैच बताइए। पहला मैच राहुल और समर का है। राहुल मेहरोत्रा और डॉक्टर समर सिंह। मेरे ख्याल से राहुल की टीम जीतेगी। राहुल की टीम काफ़ी स्ट्रांग है। समर की टीम पिछले कुछ मैचों में अच्छा खेल रही है, पर राहुल की टीम को देखते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि राहुल की टीम ये मैच आसानी से जीत जाएगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? राहुल की टीम में पिछला मैच तो बहुत बुरी तरह आ रहे हो। देखिए बुरी तरह से तो नहीं आ रहे थे, एक समय ऐसा लग रहा था कि वो लोग जीत सकते थे, पर उनके खिलाड़ियों ने कुछ रेकलेस बैटिंग की जिसके कारण वो हार गए। पर मुझे लगता है कि वो अपनी गलतियों को सुधारेंगे और अगले मैच में बेटर खेलेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो लोग। लेकिन पिछले मैच में डॉक्टर समर सिंह की टीम ने बहुत जोरदार परफॉर्म किया था, भले वो मैच हार गए लास्ट मोमेंट पे। देखिए उसमें क्या आप ये कहना चाहते हो मैच हैप्पी टीम के अगेंस्ट है इसलिए उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है? जी नहीं, चीज ऐसी थी कि देखो आप लोग तो तारीफ करेंगे इतना शानदार मैच फंसा हुआ, मतलब बिल्कुल समर की टीम काफी अच्छी खेली थी एक पर, हाँ, पर जो राहुल की टीम है उसका जो कुछ खिलाड़ी हैं वो ऐसे हैं कि वो किसी भी समय में, मुझे ऐसा लग रहा है प्री बायस्ड होकर एंड्रू देने के लिए। राहुल की टीम में ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि जो समर की टीम में नहीं है, ऐसा क्या है? देखिए समर की टीम में पांचवें बॉलर की कमी बहुत ही ज्यादा खलती है। राहुल की टीम में पांचवा बॉलर नहीं है कोई? पांचवा बॉलर है। कौन है सर? मांडवे बॉलिंग करता, मांडवे काफी ठीक बॉलिंग की है पिछले मैच में, और उन्होंने अमरेन की टीम जैसी टीम को भी कुल 106 रन पे रोक दिया, जबकि गार्डविन की जैसी अच्छी बॉलिंग को उन्होंने 150 रन बनाए थे। इसलिए मेरे को लगता है कि उनकी बॉलिंग इतनी कमजोर नहीं जितनी आप समझ रहे हैं। नहीं मैं तो इंटरव्यू ले रहा हूँ सर, मैं कहाँ समझ रहा हूँ। चलो आपके हिसाब से समर सर की टीम हार जाएगी? मेरे को लग रहा है। कितने परसेंट चांस है कुछ जीतने के उनके? देखिए चांस का खेल नहीं है, जीत या हार की बात अपन कर रहे हैं, वो नहीं है जीतेगा। साकेत भी तो मैच टर्न कर सकता है। साकेत बहुत अच्छा खिलाड़ी है, कोई शक नहीं। अखिल भी तो मैच टर्न कर सकता है। अखिल प्रैक्टिस में नहीं आता, अगर अखिल प्रैक्टिस में आया तो काफ़ी चेंज हो सकता था सीनियर के ऊपर। अखिल के नहीं आने से, अतुल महरे के प्रैक्टिस में नहीं आने से काफ़ी फर्क पड़ रहा है उस टीम पे। सिर्फ समर और साकेत कितना मैच को खेल सकते हैं? जी सेकंड मैच सर, सेकंड मैच निष्कर्ष वर्सेस गॉडविन का तो मेरे ख्याल से गॉडविन जीतेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए गॉडविन एक वन मैन आर्मी है और मेरे को उम्मीद है कि वो पिछले दो मैचों की पूरी कसर इस मैच में निकालेगा, और समर की निष्कर्ष की टीम बहुत ही अच्छी है, पर अगर वो जरा भी लैक्स होंगे जैसा कि मैं, तो गॉडविन की टीम आराम से उभर आती है। सर गॉडविन अगर वन मैन आर्मी है तो अपना साकेत भी तो वन मैन पल्टन तो है कम से कम। देखो साकेत और गॉडविन में फ़र्क है, गॉडविन जो है लंबी इनिंग खेल सकता है, जबकि साकेत यूजुअली भी उसको बीच में देवी आ जाती है, वो छक्के मारने के चक्कर में आउट हो जाता है। ओके जबकि गॉडविन कंसिस्टेंटली पूरे 20 ओवर खड़े होकर खेल सकता है। तो सर उनकी टीम में भी तो समीर अर्शे है और निष्कर्ष है, उनकी टीम बहुत अच्छी है, पर आपको मेरा सोचना है कि गॉडविन जीतेगा। मैं बहुत बुरी तरह जीतेंगे कि टफ रहेगा मैच? मैच तो तीनों मैच टफ रहेंगे, बिल्कुल क्लोज मैच होना चाहिए मेरे पास लगा तीनों मैच, पर मेरा सोच है कि गॉडविन जीतेगा। थर्ड मैच के बारे में क्या ख्याल है आप? थर्ड मैच अब दे जीतेगा। परसेंट तो पूछो सर, परसेंट वो नहीं बता, परसेंट की इसकी बात ही नहीं है, तो जीतने वाले के लिए। थर्ड मैच अवधेश का है किसके साथ? अवधेश वर्सेस अमरेन। तो अवधेश की टीम आपको लगता है? अवधेश की टीम। क्या कारण लगता है आपको ऐसा? अवधेश की टीम की बॉलिंग काफ़ी बेटर है और अमरेन उनका मैन बैट्समैन है, और अमरेन के साथ तकलीफ एक ही है कि वो सामने वाले बॉलर जो उनका मैन बॉलर है उसको बहुत ज़्यादा मारने की कोशिश करता है और उसमें वो आउट हो जाता है, और अगर वो आउट हो गया तो भट्टा के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। और राहुल की टीम की बॉलिंग की तुलना में अवधेश की टीम की बॉलिंग काफ़ी बेटर है, तो अगर वो लोग और उनकी बैटिंग भी बेटर है, अगर वो 59 गेंद में 49 रन बनाएगा तो मुश्किल होगा उनकी टीम के लिए। चलो थैंक यू सो मच।